हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मैं ओखला बर्ड सेंचुरी पहुंच चुका हूं। काफ़ी मैं सुबह ही निकल चुका था, बट यार मैं थोड़ा बस से भी आया और यहां पे नेहरू प्लेस आने के बाद मैंने मेट्रो ले लिया, क्योंकि भाई गरीब ब्लॉगर हैं तो कैसे भी करके यार मैं वीडियो तो बनानी है। तो चलो कोई नहीं, फाइनली हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी आ चुके हैं। और जब मैं बाहर एंट्री कर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार मतलब इतना अच्छे से इसको बना रखा है, इतनी हरियाली है यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आपको। 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत तरह के मतलब पक्षी वगैरह दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ओखला बर्ड सेंचुरी जो है पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो भाई अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कौन कौन से पक्षी आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। तो चलो भाई। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि ओखला जो बर्ड सेंचुरी है ये अपना दिल्ली और जो यूपी है इसके बॉर्डर पे आपको मिलेगा, और यमुना नदी के किनारे ये आपका ओखला बर्ड सेंचुरी है। बहुत 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और यहाँ की अगर हम हरियाली की बात करें तो अनबिलीवेबल भाई, इतनी मतलब हरियाली है यहाँ पे। आप सुन सकते हैं मेरे पीछे से बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। सो ये मौसम काफ़ी अच्छा है, इस समय आपको यहाँ पे घूमना चाहिए। अक्टूबर से मार्च के बीच में ये यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलो भाई एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको ओखला बर्ड सेंचुरी। ये आप देख सकते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी का गेट है ये। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं नीचे मलबा पड़ा हुआ है। जब आप अंदर एंटर करेंगे गेट से तो आपको ये छोटा सा कैंटीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं, पानी वगैरह खरीद सकते हैं। और जब थोड़ा सा और अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का बैटरी वाली रिक्शा आपको नज़र आएंगी। ये भी अभी चल नहीं रही है, अभी बंद है इसकी सर्विस, बहुत ही जल्दी इसकी सर्विस चालू होने वाली है। तो अब हम आ गए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रोड आपको नज़र आएगा अंदर में। जगह जगह आपको इस तरीके का बोर्ड नज़र आएगा जिस पर पक्षियों को दर्शाया गया है। तो गाइस, ये छोटी सी डोंगरी बनी हुई है ये, अगर आपको यमुना नदी के अगर किनारे जाके थोड़ा बैठना है कुर्सी पर तो आप इसके बगल से जा सकते हैं। मैं थोड़ा जाके आपको दिखाता हूँ, ये मैं आ चुका हूँ। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देख सकते हैं आप। ये मैं आपको अपने फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ और धीरे धीरे चलते हैं, कुछ बात करते हैं। अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ का नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आपका ओखला बर्ड सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों तरफ ये जंगल देख रहे हैं और बीच से ये कच्चा रास्ता गया हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड में आपको जंगल नज़र आएगा और उसके बगल में आपको मेन रोड है, और मेरे राइट साइड में जंगल है, फिर उसके बगल में यमुना नदी गुजर रही है। तो एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको जगह जगह सांप भी नज़र आ सकते हैं, तो ध्यान से आप यहाँ से जाएं क्योंकि अक्सर यहाँ पे सांप भी मिलते रहते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं अभी यमुना नदी में पानी का जलस्तर कितना कम है। अगर आपको यहाँ पर बोटिंग करनी है तो जब यमुना नदी में पानी हो तभी आप यहाँ पर आएं, तब आप यहाँ का बोटिंग का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा यमुना नदी अभी पूरा सूखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर शांति मिलने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टेबल पे बैठा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है। जंगल हम कह सकते हैं कि पूरा जंगल है, और यहाँ पे पूरा मैं यमुना नदी के जस्ट बगल में ही बैठा हूँ। अभी पानी का जो जल स्तर है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो कोई डरने की कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर कभी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे अक्सर जो है ना सांप जंगलों से निकलकर कई बार परेशान करते हैं, तो जब आप यहाँ पे आएँ तो सांप वगैरह देख लेना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सांप भी सांप निकलते रहते हैं। सो दोस्तों, ओखला बर्ड सेंचुरी को चंद्रशेखर आज़ाद के भी नाम से जाना जाता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मेरे को पता नहीं था कि ओखला बर्ड सेंचुरी को दूसरे नामों से भी संबोधित किया जाता है। बट मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को मिला कि ओखला जो बर्ड सेंचुरी है उसको हम चंद्रशेखर, जो हमारे
और शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके नाम से भी इसको जाना जाता है। जब आप डोंगरी से अंदर आएंगे तो आपको ये छोटा सा झोपड़ी नज़र आएगा, इस पे भी अंदर बैठ सकते हैं आप धूप वगैरह से बचने के लिए, काफ़ी अच्छा है। आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने घने जंगल हैं यहाँ पे, और चारों तरफ आपको घना जंगल मिलेगा और नदी मिलेगी और बीच में आप होंगे, तो उस चीज़ का आप आनंद ले सकते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। आप ये रोड को देख सकते हैं, ये पूरे जंगल को दो भागों में ये रोड बांट रहा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में मेरे यमुना नदी है और लेफ्ट साइड में घने जंगल हैं। तो बहुत ही लंबा रास्ता है ये, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये रास्ता सीधा जा रहा है, तो आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रास्ता सीधा जा रहा है। तो आप इसके साथ साथ यमुना नदी का भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 से अधिक अलग अलग प्रकार के जो पक्षियाँ होती हैं उनकी स्पीसीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, एक मैंने चीज़ यहाँ पर और नोटिस की है कि अंदर आने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो खाना पीना है वो अपना खुद का लाना पड़ेगा, और पानी की कोई अंदर सुविधा नहीं है, पानी आप बाहर गेट पे ही ले लें, क्योंकि अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये सेंचुरी, तो गेट से ही आप पानी खाने पीने का जो है आप वो सब ले कर आ जाए, नहीं तो आप अंदर परेशान हो जाएंगे, अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आपको 2-3 किलोमीटर पीछे जाके गेट से पानी खाना वगैरह ले कर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जो भी खाने पीने और पानी वगैरह जो है वो खुद ले कर आ जाए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जगह जगह आपको यहाँ पर इस तरह की बैठने के आपको यहाँ पर इस तरह की आपको चेयर मिल जाएंगे बैठने के लिए। और ये आप पूरा जो रोड देख रहे हैं ये पूरा यमुना नदी के किनारे से गया हुआ है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरा ये साइड में आप देख सकते हैं पूरा जंगल है पूरा। तो जो भी आप खाने पीने का लेके आ रहे हैं वो अपने साथ लेके आए, नहीं तो आप बाहर से गेट पे जो दुकान वगैरह होते हैं वहाँ से पानी और खाने की जो चीज़ें हैं वो लेकर आ जाए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। गाइस, मैं काफ़ी देर से इस तरीके का ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये टावर में ढूंढ रहा था और फाइनली मेरे को ये टावर मिल चुका है, और यहाँ से मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस पर पहले चढ़ जाता हूँ, यहाँ से आपको पूरा जो यमुना नदी का जो दृश्य है वो आपको पूरा साफ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा, अभी सामने थोड़ा आपको धूप है क्योंकि सर अभी दोपहर का समय है, तो यहाँ पे गर्ल्स वगैरह और जो मतलब कपल्स वगैरह यहाँ पे मतलब पूरा रोड पे कपल्स ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिद्ध, बाज, चील वगैरह जो है आपको नज़र आएंगे, और यमुना नदी पूरा का पूरा जो सूखा हुआ है, और यहाँ पर ब्रिज पर मैं खड़ा हो गया हूँ, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। और मैं आपको अपने बैक कैमरे से और पूरा जो है यहाँ का जो व्यू है पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस तरफ आपको जो है आपका नोएडा सिटी सेंटर पड़ेगा, और उस तरफ आपको अपना जो दिल्ली है वो है, और मेरे इस तरफ अपना यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बैक कैमरे से पूरा इसका जो व्यू है दिखाने की कोशिश करता हूँ। 300 से ज़्यादा यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज़ की जो पक्षियाँ हैं वहाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। कुछ इस प्रकार का आपको एक टावर मिलेगा, उसके ऊपर चढ़ कर आप यमुना नदी को थोड़ा अंदर से देख सकते हैं कि कितना बड़ा यमुना नदी है पूरा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहीं कहीं पर ये दलदल भी हो सकता है। यहाँ के जो स्टाफ है वो बता रहे थे कि अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि अंदर में आपको देख सकते हैं जानवर वगैरह भी रहते हैं और दलदल वगैरह भी काफ़ी है, तो आप अंदर ना जाएं। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने 2 किलोमीटर का जो सफ़र है तय कर लिया है, और भाई हालत ख़राब हो चुकी है, क्या बताऊँ। देख सकते हैं आप पूरा, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है बट फिर भी मैं अंदर से थोड़ा भीग चुका हूँ, पसीने आ रहे हैं, और पानी की बोतल मैं लेके आया था, आधे से ज़्यादा पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है अभी भी बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है भाई, क्या बताऊँ मैं। अगर आप खाने पीने के सामान लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर आपको रोड के किनारे यहाँ पे
आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, आप कूड़ा मत फैलाना, क्योंकि अगर आप देख कोई यहाँ का जो स्टाफ अगर देख लेगा तो आपका चालान भी कट सकता है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डस्टबिन है, जगह जगह पूरे रोड पे आपको डस्टबिन नज़र आएंगे। तो भाई खाना खाने के बाद जो भी डस्टबिन है अपने बैग में रखना, और थोड़ी ही दूर पर आपको डस्टबिन मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके अपना जो कचरा है कूड़ा है उस डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर यार मतलब पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर, मैं क्या बताऊँ यार, इतनी अच्छी जगह मेरे को लगी ना। अगर मेरे को 10 में से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ, सो 10 में से मैं इसको 8 से 9 नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया है भाई, मैं क्या बताऊँ। मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठा, मज़ा आ गया मेरे को, मतलब दिमाग शांत हो गया। अगर आप कभी परेशान हो जाए अपनी ज़िंदगी से, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अगर आप परेशान हो जाएँ, तो यहाँ पर आएँ, ओखला बर्ड सेंचुरी बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। अगर आप, अभी तो मैं अक्टूबर में आया हूँ, अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हैं तो आपको यहाँ का नज़ारा और भी अलग लेवल का मिलेगा। यहाँ पर ठंडी में अलग ही लेवल का मज़ा आता है भाई। तो कभी आप भी यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जगह है, और कपल्स तो भाई यहाँ पर भरे पड़े हैं, जगह जगह कुर्सी पर आपको कपल्स ही नज़र आएंगे। हर दूसरे कदम पर जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं उन पर और कपल्स ही बैठे हुए हैं। मेरे को मतलब नज़ारा दिखाने का मेरे को समय नहीं मिला भाई। उनको मैं बोला कि भाई मैं यहाँ से पिक्स वगैरह ले सकता हूँ, तो उन्होंने कोई किसी ने माना किया और किसी किसी ने बोला कि ले सकते हो, मुझे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैंने पूरा जो अपना यमुना नदी है उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है, और भी आगे मैं जा रहा हूँ, थक तो चुका हूँ भाई, और पानी की बोतल भी मेरी धीरे धीरे खाली हो रही है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, और आपको पूरा जो अपना सेंचुरी है उसकी आपको हम शेयर कराते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गैप सा है यमुना नदी का, धूप भी है। तो चलो भाई आगे चलते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं अपना सेंचुरी। गाइस फाइनली हम लोग गेट के पास पहुंचने वाले हैं, ये अभी 100 मीटर की दूरी पे है। तो अब मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बता देता हूं कि कैसे मैं यहाँ पे आया, कितना रुपए टिकट है, कैसे आप आ सकते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो यार, मैं कुर्सी आगे है मेरे, वो देख सकते हैं, और मेरे आगे थोड़ा कुर्सी है, वहाँ मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर कुर्सी है, मैं आपको बैठ के तसल्ली से आपको सब कुछ बताऊँगा। तो पहले मैं बैठ जाता हूँ, तो चलो यार बैठता हूँ पहले। थोड़ा सा धूप आ रहा है बट कोई बात नहीं भाई, मैं बैठ गया, बैग वगैरह उतार लेता हूँ मैं। सो गाइस, मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि मैं कैसे पहले घर से आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि घर से मैं बस से निकला, मैं पहले पंजाबी बाग आया, वहाँ से फिर मैंने 442 पकड़ा, वो सीधा मेरे को यहाँ पर उतारा नेहरू प्लेस। फिर नेहरू प्लेस से मेरे को यहाँ का जो पूरा एरिया है मेरे को पता नहीं था, तो मैंने फिर टोकन लिया, उसके बाद फिर मेट्रो से आया। फिर ओखला बर्ड सेंचुरी से आपको आधा एक किलोमीटर लगेगा, वहाँ से आपको थोड़ा पैदल आना पड़ेगा रोंग साइड, रोंग रोड के रोंग साइड से आपको यहाँ पर थोड़ा आना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर आएंगे तो आपको पहले एंटर जब करेंगे तो राइट साइड में आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले जो टिकट मैंने लिया था, और पहले मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ कि कितने रुपये का है, ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने ये अपने पर्स से ये जो मैंने टिकट लिया था वो मैंने निकाल लिया है, आप ये देख सकते हैं कि इस पे पहले जो भी लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज यूपी, ओखला बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्धा नगर। यहाँ पर अगर आपको आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो आप 30 रुपये कैश लेके आना, क्योंकि इसकी जो टिकट की प्राइस है वो 30 रुपये है, इंडियन जो टूरिस्ट है उसके लिए 30 रुपये है, और जो फॉरेनर है उनके लिए 350 रुपये है, ठीक है। इंडियन विजिटर 300 रुपये और फॉरेनर के लिए 350 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको बैक कैमरे से आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का ये नज़र आता है। ये है टिकट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ये पूरा टिकट है, आप देख सकते हैं 30 रुपये का टिकट है। सो गाइस, गेट से जाने से पहले मैं आपको पूरा सब कुछ टिकट का मैंने बता ही दिया है, इंडियन के लिए 30 रुपये है, फॉरेनर के लिए 350 रुपये है। यहाँ पर कपल्स वगैरह भी आते हैं, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, बहुत ही शांत एरिया है।
पूरा नदी किनारे के समुद्र, ये नदी के किनारे अपना जो ओखला बर्ड सेंचुरी है वो स्थित है। और यहाँ पर आपको 350 से ज़्यादा जो पक्षी हैं उसकी स्पीसीज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, बट आपको ऐसे प्रत्यक्ष रूप से आप उसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो उड़ते रहते हैं। आपको जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर पर आपको डस्टबिन, बोर्ड, चेयर्स वगैरह आपको लगे मिलेंगे, तो वहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत ही शांत एरिया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से मैं ऐसी जगह पर नहीं गया था, बट मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यार ब्लॉगर होने का ये फ़ायदा है कि हम जितनी मतलब दूर दूर जाते हैं, थोड़ा हम परेशान तो होते हैं उस जगह जाने के लिए, बट ऐसी जगह जाने के बाद यार सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। सही बता रहा हूँ मैं, इतना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ना, क्योंकि यार अब 3 बज चुका है, शाम के 3 बज चुके हैं। अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा तो यार घर पहुँचते मेरे को 10-11 भी बज जाएगा, तो मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से अब बस से निकलूँगा, DTC से निकलूँगा। दिल्ली DTC का मेरे पास पास है तो मैं उसी से घर जाऊँगा। तो चलो वीडियो को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।